structure material, metals and non-metals, second video. First video में हमने पढ़ा था physical property. Physical property यानी कि जिस भी material में hardness, lustre, metability, ductility, good conductor of heat and electricity और sonorous पाए जाते हैं उसको metals कहते हैं और जिनमें नहीं पाए जाते हैं उनको non-metals कहते हैं. मटेरियल के एग्जांपल हो गए आपको मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर और नॉन मेटल ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब उसके एग्जांपल हो गए. ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ये सब नॉन मेटल के एग्जांपल हो गए. सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे, फर्स्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था, अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. दोनों के क्या केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं. तो मेटल जब रिएक्शन करता है, मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है. मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है या मेटालिक ऑक्साइड कहें. हम यहाँ मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. क्लास 7 में भी आपने इसको पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम रबर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो ऐश रॉक बनता है और रॉक बनता है. वो मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं बेस होते हैं, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन जो होगा, बेस जो होगा वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा और एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा. उसी तरह फेरस जो एफी आयरन, एफी जो हो गया आपका आयरन हो गया और ये एक मेटल है और मेटल जब ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है और ये फेरस ऑक्साइड जिसको हम रस्ट भी कहते हैं, रस्ट या आप जंग कहिए, जंग कहते हैं, जो कि स्लो प्रोसेस है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद बनाता है. तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाता है जिसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है. बेसिक का मतलब है कि अगर उस सॉल्यूशन को हम अगर लिटमस पेपर से टच कराए तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. उसी तरह कॉपर, कॉपर भी ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के संपर्क में आने से क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर और कॉपर कार्बोनेट बनाता है. कॉपर ये वाटर हो गया, कॉपर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और CuCO3 कॉपर कार्बोनेट बनाता है. उसी तरह नॉन मेटल, ये तो मेटल का रिएक्शन हो गया, मेटल रिएक्शन करके मेटालिक ऑक्साइड बनाता है. नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके भी ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और वही सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रो वाटर से H2O से वाटर से रिएक्ट करके H2SO3 बनाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है. सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है. यानी जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के, उनकी प्रॉपर्टी जो होती है एसिडिक होती है. नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, हाइड्रो सल्फ्यूरस एसिड, यानी ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक, नॉन मेटल आर एसिडिक और मेटालिक ऑक्साइड आर बेस. मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेस प्रॉपर्टी के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी के होते हैं, यानी कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड. नॉन मेटल जनरली एसिड, नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते, बट मेटल जो होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं और H2O गैस प्रोड्यूस करते हैं. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.